हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आपको बहुत बहुत बधाई हो इस नवरात्रा की। दोस्तों, इस नवरात्रि पे बनाएंगे हम बहुत सारी व्रत और उपवास की चीजें। आज इस वीडियो में मैं आपको 6 नवरात्रा की डिशेस सिखाऊंगी, जिनमें से 3 साबुदाना की है, जैसे कि साबुदाना वड़ा, साबुदाना खीर और साबुदाना खिचड़ी। नेक्स्ट मैं सिखाऊंगी आपको आलू की कुछ वेरायटी, जिसमें हम बनाएंगे व्रत के लिए आलू टुक और हम बनाएंगे पूरी और आलू की सब्जी। तो चलिए अपने किचन में चलते हैं और बनाते हैं व्रत की स्पेशल डिशेस। दोस्तों, आज हम आलू फ्राई बनाने जा रहे हैं। इसे आप व्रत में खा सकते हैं। मैंने वही सामग्री ली है जो ज्यादा करके व्रत में खाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इसमें से कोई सामग्री नहीं खाते तो प्लीज इसे स्किप कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने बॉइल्ड आलू लिए हैं, मीडियम साइज के मैंने आलू लिए हैं और इसका मैंने छिलका उतार दिया है और इसको मैंने इस तरह से 2 हिस्सों में काट लिया है। ये मैंने 3 आलू लिए थे और इसके मैंने 6 पीसेस कर दिए हैं। आधा टेबल स्पून मैंने सेंधा नमक लिया है, आधा टेबल स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर ली है और आधा टेबल स्पून मैंने अमचूर पाउडर ले लिया है। ये मैंने थोड़ी सी कड़ी लीव्स दी है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है और ये मैंने 2 हरी मिर्च, इसको भी बिल्कुल बारीक काट लिया है। दोस्तों, चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके ये आलू डाल देंगे। दोस्तों, हमारे आलू पहले से ही बॉयल्ड हैं, इसके लिए हमें इसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। हमने गैस को बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखा है। दोस्तों, 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसे निकाल देंगे। दोस्तों, अब हम एक आलू ले लेंगे और इसे इस तरह से उल्टा कर देंगे और इसे इस तरह से दोनों तितलियों से दबा देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से दबा दीजिए। दोस्तों, हमने जो ये मसाले लिए थे, इसमें से जो हमने नमक लिया था उसका आधा नमक हम इसके ऊपर इस तरह से छिड़क देंगे और आधा नमक बचा देंगे। अब हम इसे दोस्तों फिर से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, 1 मिनट के बाद हम इसे थोड़ा सा पलट लेंगे। एक मिनट के लिए अब हम इसे इस तरह से फ्राई करेंगे, फिर इसे हम बाहर निकाल देंगे। दोस्तों, 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसे बाहर निकाल रहे हैं। दोस्तों, हमारे आलू बहुत गर्म है। अभी हमें ये जो हमने मसाले रखे थे उसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और गरम गरम आलू पे इसे छिड़क देंगे। दोस्तों, मसाला छिड़कने के बाद हमने जिस कढ़ाई में ये फ्राई किए थे हम उसका पूरा घी निकाल देंगे और 1 चम्मच तेल इसमें रहने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और ये कड़ी पत्ता। और इसे एक एक करके आलू डाल देंगे इसमें। बस 1 मिनट के बाद इसे निकाल देंगे। गैस को हम बंद कर देंगे दोस्तों और इसे प्लेट में निकाल देंगे। दोस्तों, हमारे आलू फ्राई बन चुके हैं। इसे सिंधी में हम टूक भी कहते हैं। इसमें हम सभी मसाले डाल देते हैं, लेकिन मैंने ये उपवास के लिए बनाया है, इसके लिए इसमें सिर्फ नमक और मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, एंजॉय कीजिए फ्राई आलू को।
दोस्तों जब भी हम साबूदाने को खिचड़ी के लिए या तो वड़ा के लिए भिगोते हैं तो इसे हमें अच्छी तरह से पहले एक या दो बार पानी से वॉश कर लेना है। तो मैं इसे पहले पानी से वॉश कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों इसे वॉश करने से ये जो पूरा आप सफेद सफेद देख रहे हैं ये इसका स्टार्च है पूरा इसे निकल आता है। तो इसे मैं इसका पानी चेंज कर देती हूँ। इसमें हम फिर से पानी डालेंगे और अच्छी तरह से धो लेंगे। ये देखिए दोस्तों कितना स्टार्च है, इस पानी को भी मैं फेंक दूंगी। दोस्तों अब इसमें हम पानी डाल देंगे। हम इसमें इतना ही पानी डालेंगे, साबुदाने हमारे अच्छी तरह से डूबने चाहिए, ज्यादा हमें पानी नहीं डालना। देखिए दोस्तों अब हम इसे 3 घंटे के लिए इसी तरह से भिगाने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसकी खिचड़ी चाहे आप साबुदाना वड़ा कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम ढककर 3 घंटे के लिए रख देते हैं। दोस्तों व्रत के साबुदाने वड़े हम बना रहे हैं, इसके लिए मैंने ये 2 आलू मीडियम साइज के आलू को मैंने मैश कर दिया है। और मैंने आपको दिखाया था कि हमने साबुदाने को भिगो के रखा था। हम इसमें से 100 ग्राम साबुदाने इसमें डाल देंगे। ये 50 ग्राम्स मैंने कच्ची मूंगफली को सेक लिया था और इसके छिलके निकाल के इसको मैंने दरादर पीस लिया है। इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक, थोड़ा सा सेंधा नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप व्रत में हरी मिर्च खाते हैं तो डालिए, वरना इसे छोड़ दीजिए। काली मिर्च डाल सकते हैं आप चाहें तो इसमें भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं। कुछ लोग उपवास में खाते हैं, कुछ लोग नहीं, इसके लिए मैं स्किप कर रही हूँ। तो चलिए इसके हम वड़े बना लेते हैं। मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इस पर मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। दोस्तों मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आप इसमें अपनी मनचाही चीजें यानी कि जैसे कि धनिया हुआ अखा धनिया डाल सकते हैं, हरा धनिया डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम सब ये उपवास में नहीं खाते, इसके लिए मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको वड़े बनाना सिखा रही हूँ। तो दोस्तों अपने हाथों को इस तरह से थोड़ा सा तेल लगा दीजिए और थोड़ा सा ऐसा इसका ले लीजिए। इस तरह से हम सभी टिक्कियां बना देंगे। दोस्तों हमने सभी वड़े बना के रख दिए हैं, अब हम इसे तेल में फ्राई कर देंगे। हमारा तेल काफी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके टिक्की डाल देंगे। दोस्तों 1 मिनट हो चुका है, हमारी टिक्की थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे पलट लेंगे और इसी तरह से हम पलटते हुए इसे ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। दोस्तों हमारे वड़े फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। देखिए दोस्तों काफी खूबसूरत कलर आया है। इस तरह से कलछी को साइड कर दीजिए जैसे हमारा एक्सेस ऑयल बाहर निकल आए। दोस्तों इसी तरह से हम बाकी वड़े भी तल लेंगे। दोस्तों हमारे साबुदाना वड़े तैयार हो चुके हैं, आप इसे व्रत में खा सकते हैं। आज एकादशी में खाने वाला व्रत का खाना बनाने वाले हैं, इसके लिए पहले हम भाजी बना लेते हैं। इसके लिए लिया है मैंने आलू, ये 2 आलू है और ये बॉयल्ड आलू है, इसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। मैंने तेल को गर्म करने रख दिया है। तो चलिए दोस्तों इसे फ्राई करते हैं। इसे हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। दोस्तों फ्लेम को हाई पे रखिए, बस इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। दोस्तों 2 मिनट के बाद इस तरह से थोड़े से हमारे
आलू का कलर चेंज हुआ है, अब हम इसे निकाल देंगे। दोस्तों ये सेंधा नमक है जिसे हम उपवास में खाते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। और ये काली मिर्च, इसे भी हम उपवास में खाते हैं। और ये अमचूर पाउडर, दोस्तों ये वही कढ़ाई है जिसमें हमने आलू को फ्राई किया था, मैंने इसका पूरा तेल निकाल दिया है, बस एक चम्मच तेल इसमें रख दिया है। अब गैस को ऑन कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे। ये आटा, ये बघार का आटा है, इसे समा का आटा भी कहते हैं, एकादशी का आटा भी कहते हैं, जो आप चाहें कह लीजिए। इसे एक चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे, इसे अच्छी तरह से थोड़ा भून लेंगे। दोस्तों इस तरह से भूनने से इसका कच्चापन निकल आता है और हमारी ग्रेवी काफी थिक बनती है। ये देखिए दोस्तों, ज्यादा नहीं भूनना, नहीं तो ये जल जाएगा। बस एक मिनट तक के लिए मैंने इसे भून लिया। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी, इसे अच्छी तरह से घुमा दूंगी। दोस्तों फ्लेम को हाई कर दीजिए और इसे अच्छी तरह से चला दीजिए, नहीं तो इसमें गुटलियां बनना चालू हो जाएगी। इस तरह से अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है इसको, आटे को। जैसे ही ये बॉयल होगा, इसकी सारी ये जो लम्स है चली जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, सारे लम्स निकल गए। अब हम इसमें ये आलू डाल देंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से पानी को और डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक और मिला देंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप दोस्तों इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब कोई लम्स नहीं है। अब इसे हम इसी तरह से 5 से 10 मिनट तक थोड़ी सी गैस कम करके इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। इसे मैं ढक देती हूँ और इसे थोड़ा सा कम गैस पे 10 मिनट तक इसी तरह से पका लूंगी। दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं, इसे हम खोल देते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल गाढ़ी रस बनके तैयार हुई है। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और इसे हम अलग करके रख देते हैं। अब हम अपनी रोटी बना लेते हैं। दोस्तों इसके लिए, जिस रोटी को हम खाएंगे उसके लिए मैंने मैश कर लिए हैं 2 आलू, अच्छी तरह से मैंने इसको मैश कर लिया है। और इसमें मैं डालूंगी 250 ग्राम्स आटा, ये बघार का आटा है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा हम सेंधा नमक डाल देंगे जो हम उपवास में खाते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं तेल डाल रही हूँ दोस्तों, मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू डालने से दोस्तों इसकी जो भाकरी बनती है बहुत ही सॉफ्ट बनती है। दोस्तों थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें मिक्स कीजिए और एक डो बना लीजिए। दोस्तों हमारा आटा गुन चुका है, इसे हमें बिल्कुल रेस्ट करने के लिए नहीं रखना है, हमें इसे उसी वक्त पकाना होगा। मैंने 1 पाव आटा लिया था, इसकी मैं 2 टुकड़े कर रही हूँ। दोस्तों 1 पाव आटा था और 1 पाव आलू थे, मेजरमेंट हमारी बिल्कुल सेम थी। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम एक डो को बॉल की तरह बना लेंगे इस तरह से, और दोनों हाथों से इस तरह से रोटी को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। आप चाहें तो इसे चकले बेलन पे भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारा तवा बिल्कुल गर्म हो चुका है और इस पर हम थोड़ा सा तेल छिड़क देंगे। अब दोस्तों इस पे हम ये भाकरी डाल देंगे और इस तरह से थोड़ा सा तवे को पकड़ लीजिए और इस तरह से घुमाइए
किनारों पे इसको प्रेस करते जाइए। ये देखिए दोस्तों, बड़ी आसानी से हमारी भाकरी बन जाती है। इसे थोड़ा मोटा रखा जाता है। ये देखिए दोस्तों, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा इसको कर सकते हैं। दोस्तों अब तक हमारी फ्लेम बिल्कुल हाई पे थी, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। दोस्तों एक मिनट के बाद हम इसे पलट लेंगे इस तरह से। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह से फिर से आप फ्लेम को हाई कर दीजिए। कुछ ही सेकंड्स के लिए इसको हाई फ्लेम पे पकाना है, फिर से हम फ्लेम को कम कर देंगे। आधा मिनट हो चुका है, अब मैं फ्लेम को कम कर देती हूँ और इसे एक मिनट तक इसी तरह से पकने दूंगी। दोस्तों एक मिनट हो चुका है, अब इसे हम फिर से पलट लेंगे और इसी तरह से हम इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से पकने देंगे। दोस्तों एक भाकरी पकाने में हमें कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। इस तरह से मैं फिर से इसे पलट लूंगी। दोस्तों इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच प्योर घी। आप चाहे तो नॉर्मल तेल भी यूज कर सकते हैं, प्योर घी से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। इसे पलट लेती हूँ इस तरह से, थोड़ा सा घी लगा दूंगी। ये देखिए दोस्तों हमारी भाकरी बिल्कुल बनके तैयार है। बहुत ही अच्छा कलर आया है, बस अब हम इसे उतार देंगे। दोस्तों मैंने दोनों भाकरी बना ली है, हमारा उपवास का खाना तैयार हो चुका है। आप इसे व्रत में, नवरात्र के व्रत में और किसी भी दूसरे एकादशी के व्रत में इसे एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों साबुदाना खीर के लिए मैंने 1/2 किलो दूध ले लिया है और मैंने 50 ग्राम ये साबुदाने ले लिए हैं। इसे मैं पानी में भिगो दूंगी। एक बार इसको अच्छी तरह से धो लूंगी, उसके बाद इसे मैं भिगो दूंगी। इस तरह से इसका स्टार्च निकल आता है। ये देखिए दोस्तों, इसका मैंने पूरा पानी निकाल दिया। अब दूसरा पानी इसमें डाल दूंगी। हमें उतना ही पानी डालना है जो दोस्तों जितना हमारे साबुदाने अच्छी तरह से अंदर भीग जाए, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना। अब हम इसे 2 घंटे या 3 घंटे के लिए इसी तरह से भिगा के रख देंगे, उसके बाद हम खीर बनाएंगे। दोस्तों मैंने 1/2 लीटर दूध गैस पे चढ़ा दिया है, इसे हम 1 बॉयल आने तक बॉयल कर देंगे। दोस्तों हमारे दूध को 1 उबाल आ चुका है, अब हम गैस को थोड़ा सा कम कर लेंगे और इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। 10 मिनट तक हम इसे कम आंच पर रख देंगे और इसे हम अच्छी तरह से गाढ़ा कर देंगे। दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं, दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे ये साबुदाने जो हमने 2 घंटे पहले भिगो के रखे थे। और इसमें डाल देंगे 4 चम्मच चीनी, ये मेजरमेंट में 50 ग्राम्स है। अब हमें इसी तरह से इसे चलाते हुए पकाना है, नहीं तो हमारी खीर जल सकती है। दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी खीर काफी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे, कुछ बादाम और मैंने कुछ काजू को बिल्कुल बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चिरौंजी डाल सकते हैं, मैंने वो नहीं डाली। थोड़ा सा बचा लेते हैं गार्निशिंग के लिए। दोस्तों इसमें हम 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारी खीर काफी गाढ़ी हो चुकी है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। आप इसे गरम गरम भी खा सकते हैं और थोड़ा सा ठंडा करके भी इसका मजा ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसे एक बाउल में डाल देते हैं। दोस्तों मैंने इसे एक बाउल में डाल दिया है, अब इसमें हम थोड़े से नट्स डाल देंगे।
तो दोस्तों तैयार हो चुकी है हमारी खीर, इसे आप एंजॉय कीजिए। आप इसे व्रत में खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। दोस्तों आज हम पूरी भाजी बनाने जा रहे हैं। ये नॉर्मल पूरी भाजी नहीं है, ये व्रत में खाने जाने वाली पूरी भाजी है। आप इसे व्रत में या नवरात्रा के व्रत में दोनों में खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम भाजी बनाएंगे, जिसके लिए लिया है मैंने ये आलू। ये बॉयल्ड आलू है, ये दो बड़े आलू थे, इसको मैंने इस तरह से रफली इस तरह से हाथों से तोड़ दिया है। दोस्तों आलू की भाजी बनाने के लिए लिए है मैंने थोड़ी सी सूखे मसाले, जिसे आप व्रत में खा सकते हैं। उनमें से कुछ लोग जीरा खाना पसंद नहीं करते, कोई कोई उपवास में जीरा नहीं खाते, तो चलिए आप इसे स्किप कर दीजिएगा। तो ये मैंने लिया है आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, हरी मिर्च जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, और दो हरी मिर्च को इस तरह से मैंने सीधा सीधा काट लिया है। थोड़ी सी लिए है मैंने कड़ी पत्ते, अमचूर पाउडर लिया है मैंने, सेंधा नमक जिसे व्रत का नमक भी कहा जाता है, और ये थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, इसे मैंने ड्राई रोस्ट करके पीस लिया है, और ये मैंने लिए है मूंगफली, ये कच्ची मूंगफली थी, इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया और इसका इस तरह से पाउडर बना दिया है। गैस को ऑन कर देते हैं। दोस्तों मैंने एक चम्मच तेल डाल दिया है, अगर आप तेल नहीं खाते तो इसे प्योर घी में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसमें हम डाल देंगे ये थोड़ा सा जीरा, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च, और इसमें ये सेंगदाने भी डाल देंगे। फ्लेम को दोस्तों थोड़ा सा कम कर दीजिए, नहीं तो हमारे सेंगदाने जल जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये बॉयल किए हुए आलू, अभी इसमें ये सब सूखे मसाले जैसे कि अमचूर पाउडर, नमक, काली मिर्च और ये भुना हुआ जीरा डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा दबा दीजिए दोस्तों, जैसे ये अच्छी तरह से एक दूसरे से मिक्स हो जाए। दोस्तों 2 मिनट इसे इसी तरह से भूनने के बाद इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 2-3 चम्मच पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद दोस्तों इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर 2 मिनट के लिए पका देंगे। दोस्तों 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन को हटा देंगे। देखिए दोस्तों जो हमने पानी डाला था बिल्कुल सूख चुका है और हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल सकते हैं, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग उपवास में हरा धनिया नहीं खाते, इसके लिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। दोस्तों अब हम पूरी बना लेते हैं। इसके लिए लिया है मैंने ये आटा, इसे सावरी का आटा भी कहते हैं, समा के चावल का आटा भी कहते हैं, और इसे बघार का आटा भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम है, आप जो चाहे इसे कह लीजिए। तो मैंने ये 1 कटोरी आटा ले लिया है, ये मेजरमेंट में 150 ग्राम्स है, और इसमें मैं ये डाल दूंगी आधा चम्मच सेंधा नमक यानी कि उपवास का नमक, और मैं इसमें ये डाल दूंगी 1 चम्मच तेल, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं। दोस्तों ये मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है, पानी इतना ही गुनगुना होना चाहिए जिसमें आपकी उंगली अच्छी तरह से डाल जा सके। इसे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गुन लूंगी। दोस्तों पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालिएगा, नहीं तो ये आटा बहुत नरम पड़ जाता है, फिर इसकी पूरियां नहीं बेलती। दोस्तों हमारा आटा गुन चुका है, देखिए दोस्तों आधे से भी कम ग्लास हमारा पानी यूज हुआ है इसमें। ये देखिए दोस्तों इस तरह से, ये ज्यादा नरम भी नहीं है और सख्त भी नहीं है। तो दोस्तों इसे हमें बिल्कुल रेस्ट करने के लिए नहीं रखना है, फटाफट हम इसकी पूरियां बेल लेते हैं। दोस्तों चलिए पूरियों के लिए हम तेल गरम करने रखते हैं। ये मैंने तेल गरम करने रख दिया है और हम पूरियों को बेल लेते हैं। दोस्तों इसमें मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया है, अब हम इस तरह से
थोड़ा सा आटा ले लेंगे और इसे इस तरह से बॉल बना देंगे। और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हमें बेलना है दोस्तों, नहीं तो ये हमारी पूरियां टूट जाती है। ये देखिए दोस्तों, इसे इस तरह से आप ले लीजिए और कढ़ाई में डाल दीजिए। दोस्तों देखिए कितनी हमारी पूरी फूल रही है, तो चलिए इसे हम निकाल देते हैं। दोस्तों इसकी पूरियां बहुत ही करारी होती है, तो चलिए दोस्तों सभी पूरियों को मैं अभी बेल लेती हूँ। दोस्तों मेरी सभी पूरियां तल के तैयार हो चुकी है, अब मैं इसे प्लेट में निकाल देती हूँ। दोस्तों हमारी व्रत में खाई जाने वाली पूरी भाजी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों मैंने 100 ग्राम साबुदाने ले लिए हैं, जिसे मैंने 2 घंटा पहले पानी में भिगो के रखा था। ये लिया है मैंने आधा चम्मच सेंधा नमक, यानी कि इसे व्रत का नमक भी कहते हैं। ये मैंने 8-10 काली मिर्चों को थोड़ा मोटा मोटा पीस लिया है, और ये मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं, और 2 मिर्चियों को मैंने सीधा स्लाइटली काट लिया है। दोस्तों ये मैंने 50 ग्राम सेंगदाने लिए हैं, यानी कि मूंगफली ली है। ये कच्ची मूंगफली थी, इसे मैंने थोड़ा सा सेक लिया, उसके छिलके उतार के फिर इसको मैंने मिक्सर में पीस लिया है, इसका मैंने पूरा पाउडर बना दिया है। ये मैंने एक आलू को रफली चॉप कर दिया है, ये बॉयल्ड है। तो चलिए दोस्तों रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून तेल। दोस्तों हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और ये आलू डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए इसी तरह से थोड़ा फ्राई कर लेंगे। दोस्तों आप इसमें अपनी मर्जी से जीरा वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, राई डाल सकते हैं, हम व्रत में ये सब चीजें नहीं खाते, इसके लिए मैंने इसमें सिर्फ कड़ी पत्ते का तड़का लगाया है। अब हम इसमें डाल देंगे साबुदाने। ये जो हमने मूंगफली पीस के रखी थी इसे भी डाल देंगे, और ये नमक और काली मिर्च इसे भी डाल देंगे, और गैस को बिल्कुल कम कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमें 1-2 मिनट के लिए इसको मिक्स करना है। दोस्तों 2 मिनट तक इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। दोस्तों सिर्फ 1 मिनट रखना है, नहीं तो हमारे साबुदाने पूरे कढ़ाई में लग जाएंगे। दोस्तों 1 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन हटा देंगे। आप इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं, हरे धनिया से इसका स्वाद और बढ़ जाता है, लेकिन कुछ लोग व्रत में हरा धनिया नहीं खाते, इसके लिए मैंने इसमें नहीं डाला। तो दोस्तों हमारी साबुदाना खिचड़ी तैयार है, गैस को हमने बंद कर दिया है, तो चलिए इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। दोस्तों हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे साबुदाने एक दूसरे में बिल्कुल नहीं चिपके, ये बिल्कुल अलग अलग है, एक एक दाना अलग अलग है। तो दोस्तों आप अगर ऐसी खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो प्लीज मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मेन बात यह है कि जो हमने सेंगदाने पीस के रखे थे उसका हमें बिल्कुल पाउडर बना देना है, तभी ये बिल्कुल अलग अलग बनते हैं, और इसे अच्छी तरह से भिगोना है। तो चलिए दोस्तों बहुत ही टेस्टी खिचड़ी का मजा उठाइए। दोस्तों ये बॉयल्ड आलू है, ये 2 आलू है, इसे मैंने इस तरह से काट लिया है। ये आधा नींबू का रस है, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती, कड़ी पत्ता, आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक यानी कि व्रत का नमक, 2 मिर्च को मैंने एकदम बारीक काट लिया है, 2 मिर्च को मैंने इस तरह से स्लाइड में काट लिया है,
और मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है। दोस्तों अगर आप उपवास में जीरा खाते हैं तो इसे ऐड कीजिए, नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। बहुत लोग हरा धनिया भी नहीं खाते, आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। आप चाहे नींबू का रस डालें या इसके बदले आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग व्रत के आलू बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा ली है और मैंने इसमें एक चम्मच तेल डाला है। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें आलू डाल देंगे और इसे कुछ सेकंड तक इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों एक मिनट हो चुका है, अब हम आलू को थोड़ा सा इस तरह से साइड कर लेंगे और इस तरफ जो हमारा तेल है इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा करी पत्ता, जीरा और ये हरी मिर्च। इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे साइड में। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा सेंधा नमक। गैस को थोड़ा सा दोस्तों कम कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको काली मिर्च दिखाना भूल गई थी, इसमें हम काली मिर्च भी ऐड करेंगे। गैस को हम कम कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, सभी मसाले आलू पे अच्छी तरह से लिपट चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नींबू का रस, और इसे हरा धनिया से गार्निशिंग कर देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। दोस्तों हमारे व्रत वाले आलू बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे समा की चावल की जो पूरी होती है उसके साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो दोस्तों ऐसी मजेदार रेसिपीज के लिए मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।